अस्सलाम वालेकुम। आज हम किचन विद रबिया में फालसे की चटनी की रेसिपी लेके आए हैं। इसके लिए मैंने 1 कप फालसे लिए थे, अच्छे से धो लिए थे मैंने। 1 कप मैंने चीनी ली है, दानेदार चीनी। जितने फालसे हैं उतनी चीनी लेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने सिरका लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च का पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने काला नमक लिया है, आप सादा भी ले सकते हैं। 1 कप मैंने पानी लिया है। तो एक बर्तन लेंगे, अब इसमें फालसे डालेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको हमने पकाना है। पानी डाल देंगे, अब इसको 5 मिनट के लिए ढक्कन दे के छोड़ देंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं, तो आप ये देख सकते हैं हमारे फालसे अच्छे से पक गए हैं, गल गए हैं अच्छे से, ये देख सकते हैं आप। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो अब हम आग को बंद कर देंगे और इसे ठंडा करेंगे। तो ये ठंडे हो गए हैं, अब एक जग लेंगे, इसमें डाल देंगे फालसे सारे और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो फालसे हमारे अच्छे से ब्लेंड हो गए हैं। अब उसी बर्तन में जिसमें हमने इसको पकाना है, स्ट्रेनर लेंगे और इसको छान लेंगे अच्छे से। अगर ये ठीक लगे तो थोड़ा सा पानी डाल लीजिए। अच्छे से ये देखें, इसका पल्प निकला है। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया था, आप देख सकते हैं भी अलग हो गए। अब इसे दोबारा से चूल्हे पे रखेंगे और मीडियम आंच पे ही पकाएंगे। इसमें चीनी डाल देंगे, हिलाएंगे, इसे मिक्स करेंगे। चीनी हमारी मिक्स हो गई है, अब इसमें जो हमने नमक और सुरख मिर्च का पाउडर लिया था वो डाल देंगे। मिक्स करेंगे, स्पैचुलर मैंने ले लिया ताकि ये अच्छे से साइडों से उतर जाए। काफ़ी हद तक ये पक गया, अब इसमें हम सिरका डाल देंगे। अब थोड़ा सा और पकाएंगे जब तक ये ठीक ना हो जाए। तो ये देख सकते हैं ये ठीक हो गई है। तो चटनी हमारी तैयार है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसे ठंडा करेंगे। चटनी हमारी ठंडी हो गई है, एक सर्विंग बाउल ले लेंगे, इसमें निकालेंगे। खट्टी मीठी चटनी हमारी तैयार हो गई है। आप भी मेरी रेसिपी को शुरू से लेकर एंड तक देखें, आपकी चटनी भी बहुत मज़े की बनेगी। आप मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, पेज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल एंड बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। और कमेंट में बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़।